हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है, उस अधिक मास में हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार, वेदों के अनुसार एक ऐसी परंपरा, ऐसा विधान था कि ऐसे अधिक मास में जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे पीपल है, वृक्ष है, मंदिर है, कहीं नदियाँ हैं, तो उनकी परिक्रमा करने का एक बड़ा महत्व होता है। इसलिए इसी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए हमारे बाड़मेर में परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक, कहीं से कई सालों से शुरू हो गई है परिक्रमा नगर होती है। पहले गंगागर जी के मठ से शुरू होती थी, अभी भी गंगागर जी के मठ से शुरू होकर जाएगी हनुमान जी के मंदिर से, हनुमान जी के मंदिर से वहाँ के धर्म ध्वजा के साथ में वहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी, जो सदर बाजार होता हुए पीपली चौक होते हुए चौटन चौराहे जाएगी, वहाँ से फिर गड्ढा रोड होते हुए रावली ढाली के पीछे से होते हुए गोपाल गौशाला पहुँचेगी, गोपाल गौशाला से वापस रवाना होकर वो इलाज मंदिर होकर और इंदिरा कॉलोनी होते हुए जस्तर धाम पे जाके 11 बजे पहुँचेगी। वहाँ 4-5 घंटे का विश्राम रखा गया है, जहाँ अधिक मास की पुरुषोत्तम भगवान की कथा भी होगी और क्षेत्र के जाने माने सभी संत महात्माओं के प्रवचन भी होंगे, और भी वहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्था स्टालें लगी लगी होगी, और भी जितने भी इस धार्मिक संस्था के अंदर जुड़े हुए सभी लोग हैं वो भी वहाँ एकत्रित होंगे। बाड़मेर जिले के पूरे गांवों से भिन्न भिन्न जाति के 36 कौम के लोग वहाँ आएंगे और वो दर्शन करेंगे और अपना दर्शन लाभ लेंगे। उसके पश्चात 4 बजे वहाँ से वापस प्रस्थान करेगी परिक्रमा, जो वापस शहर से होती हुई कटरा चौराहे होती हुई वापस हनुमान मंदिर आके वापस विसर्जन होगी। कौन सी तारीख से रवाना होगी? ये 20 तारीख को सवेरे प्रातः 5 बजे शुरू होगी।